किसानों ने 6 अगस्त को एक बार फिर कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। 3 महीने से किसान हर महीने की 6 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसके तहत किसानों ने शाम 4 बजे कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ ट्वीट्स किए। देखते ही देखते ये हैशटैग ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। किसानों ने अपने आंदोलन के लिए 6 तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसी दिन 6 किसानों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह आंदोलन भी कर्जा मुक्ति और फसलों के सही दाम के लिए हो रहा था। हालांकि ये सवाल लगातार मजबूत होता जा रहा है कि ऐसे डिजिटल आंदोलन से सरकार पर किसानों की बातों को मानने के लिए कितना दबाव बनेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जय किसान आंदोलन के नेशनल कन्वीनर अविक्सा। अविक्सा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। किसानों की सबसे बड़ी मांग कर्जा मुक्ति के लिए आपका संगठन 3 महीने ट्विटर पर आंदोलन कर रहा है, अब तक इसका क्या असर पड़ा है, क्या सरकार सुन भी रही है? मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि सरकार सुन रही है। वैसे तो ये सरकार जो है इस वक्त ये गूंगा बहरा अंधा भी है, लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादातर लोगों तक आजकल मैसेज पहुंचाती है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसान की फसलों की दाम सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, देश का खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। और जो मध्यम वर्ग के लोग और ट्विटर पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इनको हम सूचित कर रहे हैं, इनको हम शिक्षित कर रहे हैं कि किसान की मुद्दा क्या है। और जो हजारों दसियों हजारों ट्वीट्स होते हैं उसमें इतने सारे इंफॉर्मेशन रहता है, तो शुरू तो हमने इसलिए किया था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, जो किसान नहीं है वो भी जाने किसान की क्या मुश्किल हो रही है और उससे आने वाला खाद्य के ऊपर संकट क्या आने वाला है। अब ये 3 महीना लगातार होने के बाद ये ज़रूर है कि देश के ज्यादातर लोग जो कम से कम ट्विटर पर हैं जी, उनको ये समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम किसानों के साथ हो रहा है और वो जाके दबाव बनेगी सरकार के ऊपर, ऐसा हमारा समझ है जी। जून से लेकर अब तक कई जगहों पर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस ट्विटर एक्शन का सरकार पर कोई असर भी पड़ेगा? हम सबका ये समझ है और मानना है कि आगे चलकर डिजिटल मीडियम पर जो आंदोलन होंगे वो सारे राजनीति को और ज़्यादातर कृषक राजनीति को जी संपूर्ण चेंज ला। तो आज हम ट्विटर पर देख रहे हैं, कल फेसबुक पर देखेंगे, परसों इंस्टाग्राम पर होगा। इस तरह का लगातार आंदोलन जो जनमत सृष्टि करता है, इसका बहुत बड़ा असर हर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, ऐसा हमारा समझ है। और ज्यादा समय देखना नहीं होगा, आने वाला 2-3 महीने में, क्योंकि कोरोना और लार्ज पब्लिक गैदरिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोरोना और गैदरिंग शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो 6 महीना 12 महीना आगे चल के यही प्रोटेस्ट का एकमात्र रास्ता रहेगा और ये प्रोटेस्ट सुना जाएगा, ये हमारा विश्वास। चलिए, काफी आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात सुने भी। ट्विटर एक्शन का मेन मुद्दा जो है वो है कर्जा माफी और पूरा दाम। एमएसपी को लेकर जो शंका माहौल देश के अंदर है, एमएसपी तो अभी भी नहीं मिल रही है। चना किसान, मक्का किसान, प्याज के किसान, दूध के किसान भी सभी परेशान हैं। इन मुद्दों को इस मुहिम में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? इस मुहिम में सारे मुद्दे शामिल हैं जी। AIKCC का जो 2 बिल पार्लियामेंट में हम लोग पेश किए थे 2018 को, उसमें किसान का डेफिनेशन था, ये जितने भी वर्ग आपने बताया, चाहे मक्के का किसान हो चाहे दूध का किसान हो, किसान का मतलब कोई भी प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और उनका सुरक्षा के लिए, उनका आय का सुरक्षा के लिए ये कानून AIKCC ने बना के लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन में पेश किया। अब ये दुख की बात है कि सरकार आई गई लेकिन वो एक्ट जो है, बिल जो है, उस पर चर्चा करने के लिए 10 मिनट भी सदन निकाल नहीं पाई। खैर वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं ये शामिल है। और महाराष्ट्र में इस वक्त जो दूध का आंदोलन चल रहा है वो AIKCC के बैनर तले, और भी संगठन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ AIKCC आंदोलन करता है, लेकिन AIKCC सब आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं जी। आपने मक्का की बात उठाया, मैं व्यक्तिगत रूप में
मैं इस वक्त कलकत्ता से आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ से 700 किलोमीटर दूर उत्तर बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर जिले में एक मक्के की बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा, बिहार में भी इस वक्त चल रहा है जी। तो AI केस की सारे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब मुद्दे जो हैं ट्विटर के जो कैंपेन है कर्जा मुक्ति पूरा दाम में अंतर्गत जी। इस बार आम जनता से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई थी। वैसे देखा जाए तो जहां एक तरफ किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी तरफ कंज्यूमर के रूप में जनता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बावजूद आम जनता और किसान के बीच एक डिसकनेक्शन है, दूरी क्यों है, इस दूरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये दूरी तो पॉलिसी का एक फेर है, इनफैक्ट ये दूरी जानबूझकर बनाया गया है। शहर गांव का उत्पादन खाता है, ये बात तो सभी जानता है, ये सरल है, लेकिन शहर को सिखाया जाता है कि गांव बहुत बुरा है, उसकी ओर आंख उठा के मत देखो, और गांव को समझाया जाता है सारे सुख जो है, स्वर्ग जो है शहर में है। तो ये दोनों वर्ग को, शहर वाले और गांव वाले को अलग रखना सरकारों की नीति है, ये कोई एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इस दूरी को अभी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा जी, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर अटैक आने वाला है, जो 3 ऑर्डिनेंस लाया है मोदी सरकार, उससे इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ने वाला है कि शहर के कंज्यूमर जी अभी बहुत जल्दी सीख जाएगा, समझ जाएगा कि इस देश के किसान का उत्पादन कितना इंपॉर्टेंट था जी। और मेरा बिल्कुल समझ है कि देश के कंज्यूमिंग क्लास जो है, खाना जो खाते हैं लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं, वो बहुत ही जल्दी किसान आंदोलन के साथ पूरे तरीके से जुड़ेगा, बिकॉज ये उत्पादन और खाना का कंजम्पशन, ये दोनों इंटरलिंक्ड है और ये जल्दी ही सामने आ जाएगा, आंदोलन में भी शामिल हो। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आवेग साजी। और अविक शाह जी, वो सोच है जो पूरे डिजिटल आंदोलन के पीछे की सोच है और किसानों के लिए एक डिजिटल आंदोलन पिछले 3 महीने से छिड़े हुए हैं।